स्टूडेंट्स हम मेथड ऑफ एस्टिमेशन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन, प्रोडक्ट मेथड ऑफ एस्टिमेशन, रिग्रेशन एस्टिमेटर्स को डिस्कस किया। हम लोगों ने स्टडी किया कि ये वो सारे मेथड ऑफ एस्टिमेशन हैं जिसमें हम ऑक्सिलरी वेरिएबल को इनकॉर्पोरेट करते हैं। सो इससे पहले थ्रू आउट इस कोर्स में हम लोगों ने डिफरेंट डिजाइन पढ़े और उन डिजाइन में अभी तक हमने ऑक्सिलरी वेरिएबल को इनकॉर्पोरेट नहीं किया था, तो अब इस स्टेज पर आकर हमने ऑक्सिलरी वेरिएबल को इनकॉर्पोरेट किया और सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट को यूज करते हुए हमने उसे एग्जीक्यूट किया। आप समझते हैं कि हम लोगों ने उसमें रेशियो एस्टिमेशन पढ़ी है, हम लोगों ने प्रोडक्ट एस्टिमेशन पढ़ी है, रिग्रेशन मेथड ऑफ एस्टिमेशन पढ़ा है, हम लोगों ने एग्जाम्पल्स परफॉर्म की, उसके बाद हम लोगों ने सिमुलेशन स्टडीज भी उनसे रिलेटेड की। तो यहां पर मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, जिनको आप अच्छी तरह से डिस्कस कर लें, आप इसे रिवाइज कर लें। ये जो लेक्चर्स आपने पढ़े हैं उनमें से भी हैं, और ये मैं एक्चुअली क्वेश्चंस इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मैं ये समझता हूं कि हो सकता है कि आपके माइंड में ये क्वेश्चंस, जो चीजें हमने पढ़ी हैं, डिफरेंट तरीके से आपके जहन में आ रहे हों, सो मैं उसे खुद ही पूछता हूं और उनके आंसर्स कर देता हूं। सो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन, व्हाई डू वी यूज द रेशियो एस्टिमेटर? रेशियो एस्टिमेटर हम क्यों यूज करते हैं? देखिए, हम लोगों ने रेशियो एस्टिमेटर को पढ़ा है कि हम उस वक्त यूज करते हैं जब लीनियर रिलेशनशिप स्ट्रांग हो बिटवीन स्टडी एंड ऑक्सिलरी वेरिएबल। लेकिन अगर ऑक्सिलरी वेरिएबल होगा तो रिलेशनशिप होगा ना। सो इसे हम यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास ऑक्सिलरी वेरिएबल अवेलेबल है, उसकी पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सो वी कैन यूज इट एंड वी नो दैट इट हेल्प्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एस्टिमेशन। That is why we are using the ratio method of estimation. Students, you may ask the question, can we use auxiliary variable with low correlation coefficient? हम लोग इस बात को भी डिस्कस कर चुके हैं कि रेशियो, प्रोडक्ट और रिग्रेशन मेथड ऑफ एस्टिमेशन उस वक्त सूटेबल हैं जब लीनियर रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। आपको मैंने जब मीन स्क्वायर एरर प्रोडक्ट एस्टिमेटर का करवाया तो वहां मैंने रेशियो का मीन स्क्वायर एरर भी डिस्कस किया लास्ट पर, और मैंने बताया कि उनकी जो लास्ट टर्म्स हैं मीन स्क्वायर एरर की, जिनमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट माइनस हो रहा है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाली टर्म जो है वो माइनस हो रही है प्रोडक्ट रेशियो के केस में और प्लस हो रही है प्रोडक्ट के केस में। सो वो जो लास्ट पार्ट है, लास्ट टर्म है मीन स्क्वायर एरर की, वो उसी वक्त इफेक्टिव होगी जब आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट स्ट्रांग होगा। सो लो कोरिलेशन के लिए रेशियो regression and product method of estimation is not suggested. How can we use auxiliary variable at the design stage? जब हमने ये शुरू किया था ratio method of estimation, तो मैंने आपको बताया था कि auxiliary variable design stage पर भी इस्तेमाल हो सकता है और estimation stage पर भी इस्तेमाल हो सकता है। उस lecture को आप दोबारा देखें कि हमने किस तरह से design stage पर बात की थी कि हम probability proportional to size में भी यूज करते हैं auxiliary variable को, हम stratification के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, उसको रिवाइज करें। How can we use auxiliary variable at the estimation? The ratio method of estimation is the utilization of the auxiliary variable at the estimation stage. Product method of estimation is the utilization of the auxiliary variable at the estimation stage. Similarly, the regression method of estimation. तो जब estimator में आप auxiliary variable की information को incorporate करते हैं तो आप उसे एस्टिमेशन स्टेज पर यूज कर रहे हैं। रेशियो और रिग्रेशन एस्टिमेशन किस तरह से मुख्तलिफ है? स्टूडेंट्स, रेशियो एस्टिमेटर आप यूज करते हैं जब लीनियर रिलेशनशिप पॉजिटिव होती है और ओरिजिन में से पास होती है। लेकिन रिग्रेशन मेथड ऑफ एस्टिमेशन आप उस वक्त यूज कर सकते हैं जब लीनियर रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों केसेस में, पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव के लिए भी, और इसके अलावा अगर रिलेशनशिप ओरिजिन में से पास नहीं भी हो रहा। मैं फिर रिवाइज कर दूं, रेशियो सिर्फ पॉजिटिव के लिए है, रिग्रेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के केसेस के लिए है। रेशियो उस वक्त यूटिलाइज होता है जब रिलेशनशिप ओरिजिन में से पास हो, और रिग्रेशन उस वक्त यूटिलाइज होता है, ज्यादा इफेक्टिव है जब रिलेशनशिप ओरिजिन में से पास ना हो। बहरहाल रिग्रेशन की इफेक्टिव उस वक्त भी इफेक्टिव है जब रिलेशनशिप ओरिजिन में से पास हो, लेकिन आप इसको सेपरेट रखें।
रेशो और प्रोडक्ट एस्टिमेटर्स किस तरह से डिफरेंट है? सिंपल है, रेशो पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप के लिए और प्रोडक्ट नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप के लिए। रिग्रेशन एस्टिमेटर्स को इनवर्स कोरिलेशन के लिए अभी मैं बता चुका हूं इसके कि जनाब रिग्रेशन एस्टिमेटर को हम पॉजिटिव के लिए भी यूज करते हैं और नेगेटिव कोरिलेशन के लिए भी यूज करते हैं, राइट? सो अगर आपको किसी भी लेवल पर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में या इसके अलावा कहीं पर पूछा जाता है कि रिग्रेशन एस्टिमेटर तो ये पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप जब स्ट्रांग हो बिटवीन स्टडी एंड ऑक्सिलरी या नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप स्ट्रांग हो बिटवीन स्टडी एंड ऑक्सिलरी तब भी इसे यूज किया जा सकता है। रेशियो एस्टिमेटर किस सिचुएशन में अनबायज्ड हो जाता है? ये अनबायज्ड जो आपने रेशियो एस्टिमेटर पढ़े हैं दैट इज स्मॉल वाई पढ़ा है, एक ही पढ़ा है, स्मॉल वाई बार ओवर स्मॉल एक्स बार इंटू कैपिटल एक्स बार, ये अनबायज्ड उस वक्त ऑलमोस्ट अनबायज्ड होता है, यानी तकरीबन अनबायज्ड होता है जब सैंपल साइज लार्ज हो, अदरवाइज ये बायज्ड है, ये अनबायज्ड नहीं होता। हाँ, आपने दूसरे रेशियो एस्टिमेटर्स पढ़े हैं जो अनबायज्ड होते हैं, वो अनबायज्ड हैं रेशियो एस्टिमेटर्स, लेकिन ये जो आप स्मॉल वाई बार ओवर स्मॉल एक्स बार इंटू कैपिटल यानी क्लासिकल रेशियो एस्टिमेटर जो आप पढ़ते हैं दैट इज नॉट अनबायज्ड। आप जो सिमुलेशन स्टडीज आपने पढ़ी हैं उनमें मैंने खास मीन्स और वेरिएंसेस यूज किए हैं, समटाइम्स मीन्स मैंने 2-2 यूज किए हैं, वेरिएंसेस मैंने 1-1, कोवेरिएंस मैंने कोरिलेशन के मुताबिक यूज किया है। तो क्या आप डिफरेंट मीन्स और वेरिएंसेस, फॉर एग्जांपल आपको एग्जामिनेशन में ही आ जाता है कि आप एक प्रोग्राम लिखिए जिनमें डिफरेंट मीन्स और डिफरेंट वेरिएंसेस आपको दे दिए जाते हैं, तो क्या आप उस पर प्रोग्राम लिख सकते हैं? यस, यू कैन राइट इट। आपको वो मीन वेक्टर जहां मैंने आपको मीन वेक्टर डिफाइन करता हूं जिसे मैंने यूजुअली 2-2 रखा है, अगर वहां आपको कह दिया जाए 0-0 रखे तो वहां आपको सिर्फ 0 रिप्लेस करने हैं। अगर आपको वेरिएंसेस कुछ दे दिए जाए तो आपने वेरिएंसेस की वैल्यूज को रिप्लेस करना है जहां पर मैंने 1-1 यूज किया है। सो डिफरेंट वेरिएंसेस को वेरिएंसेस एंड डिफरेंट मीन्स मे बी आस्क्ड एंड यू कैन यूज दोस फॉर द पर्पज ऑफ इवेल्युएशन। Yes, we have the unbiased ratio estimators. इनको मैं बता चुका हूँ कि ratio estimators unbiased होते हैं और वो हमने different पढ़े थे वहां पर। Hartley and Rose था, मिक्की को हमने देखा था, लेकिन Hartley and Rose को थोड़ा सा डिटेल से देखा था। ओके, अब आप जब सिमुलेशन स्टडी कर रहे हैं इस बाईवेरिएट केस में, बाईवेरिएट से मुराद ये है कि एक स्टडी वेरिएबल एक ऑक्सिली वेरिएबल है, बहरहाल इसे बाईवेरिएट नहीं कहना चाहिए, ये ऑक्सिली वेरिएबल का केस है और जो स्टडी वेरिएबल है वो एक ही है हमारे पास। So how to install the package that we are using for generation of the data from bivariate normal distribution? So students, यहाँ आप जब इस पर काम कर रहे हैं तो इस पैकेज को आप किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं इसे मैं आपको फर्दर डिस्कस कर दूंगा ताकि आपको मजीद आसानी हो जाए। बहरहाल हम R को जब हमने शुरू किया था तो वहां मैंने आपको थोड़ा इसका नॉलेज दिया था कि आप पैकेजेस को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर पैकेज को मैं डिस्कस कर दूंगा। सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस, इन पर आप फोकस करें, ये आपको एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग करेंगे रिगार्डिंग दिस टॉपिक वेयर यू आर यूटिलाइजिंग द ऑक्सिलरी वेरिएबल।